अगर आप दोस्तों अपने SBI के डेबिट कार्ड का ATM पिन भूल गए हैं, आपको पुराना वाला ATM पिन नहीं याद है, तो आज का ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ATM पिन भूल जाने के बाद उसे दोबारा कैसे सेट करते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसे सेट करने के दो तरीके हैं। एक में आप SBI के ATM मशीन पर जाकर अपना पिन सेट कर सकते हो, और सेकेंड मेथड में आप ऑनलाइन ही अपने मोबाइल फ़ोन से इसे चेंज कर सकते हो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सेकेंड मेथड से SBI के ATM पिन को भूल जाने के बाद दोबारा से सेट करने का पूरा प्रोसेस लाइव दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑनलाइन SBI के डेबिट या ATM कार्ड का पिन चेंज करने के लिए या फिर सेट करने के लिए आपको योनो ऐप में रजिस्टर करना होगा। जो लोग पहले से योनो ऐप चलाते हैं तो उनको पता होगा कि जब वो योनो ऐप में रजिस्टर करते हैं तो उनके बैंक अकाउंट का एक यूजर नेम और पासवर्ड बन जाता है, और उसी से वो योनो ऐप को यूज कर पाते हैं। तो अगर दोस्तों आपने अभी तक योनो ऐप में रजिस्टर नहीं किया है तो उसमें कैसे रजिस्टर होते हैं, इस पर मैंने एक पहले से वीडियो बना रखी है, और उसे देखकर आप योनो ऐप में रजिस्टर हो जाओगे। और जब आप इसमें रजिस्टर होगे तो आपके बैंक अकाउंट का एक यूजर नेम और पासवर्ड बन जाएगा, और उसी से फिर आप इसमें लॉगिन हो जाओगे। तो एक बार पहले आपको इसमें रजिस्टर कर लेना है, और उसके बाद फिर आप योनो ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के लिए आपको इस ऐप को ओपन करना है, और उसके बाद आप यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के इसमें लॉगिन हो जाएंगे। जैसे ही आप इसमें लॉगिन हो जाओगे, देन उसके बाद आपके सामने योनो ऐप कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा, और यहाँ पर से आप अपने बैंक अकाउंट के सभी काम कर सकते हो। अपना बैलेंस चेक कर सकते हो, यहाँ पर योनो कैश का यूज कर सकते हो, योनो QR का यूज कर सकते हो, अपनी स्टेटमेंट्स को देख सकते हैं कि कितना पैसा कहाँ गया है। ये सारी चीज़ें योनो ऐप से मैनेज की जाती हैं। तो अब यहाँ पर डेबिट कार्ड का पिन चेंज करने के लिए आपको यहाँ कार्ड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर माई डेबिट कार्ड पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपके इस बैंक अकाउंट के जितने भी डेबिट कार्ड होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे, और उसका पिन आप यहीं से चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर आपके अकाउंट का ATM कार्ड देखने को मिल जाएगा, जो उसका लास्ट का 4-डिजिट नंबर होगा वो यहाँ दिख जाएगा, जो नेम पड़ा होगा वो यहाँ दिख जाएगा, और उसकी एक्सपायरी डेट भी आपको यहीं पर दिख जाएगी। और इसके बाद आप इस कार्ड में सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप इस कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं, लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं, पिन वगैरह सेट कर सकते हैं जो ATM पिन होता है। और इसके अलावा अगर आपका डेबिट कार्ड एक्टिवेट नहीं है तो आप यहीं से एक्टिवेट भी कर सकते हो। तो अगर आप दोस्तों अपने इस डेबिट कार्ड का पहली बार पिन सेट कर रहे हो तो आपको इसे एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के लिए आप एक्टिवेट कार्ड पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप यस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो आपका डेबिट कार्ड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन पहले से अगर एक्टिवेट है तब आपको यहाँ पर सेट या रीसेट ATM पिन पर क्लिक करना है, और उसके बाद आप अपने इस डेबिट कार्ड का जो भी ATM पिन बनाना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर डाल देंगे। आप यहाँ पर 4-डिजिट का अपना ATM पिन एंटर करेंगे, कन्फर्मेशन के लिए दोबारा एंटर करेंगे, और जैसे ही आप उसके बाद यहाँ नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करोगे आपका ATM पिन चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पर नया ATM पिन सेट कर लिया है, और उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ उसके बाद मेरे बैंक में जो भी मोबाइल नंबर लगा होगा उसमें एक OTP आएगा जिसे मुझे यहाँ पर डालना होगा, और उसे डालने के बाद जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे देन आपके ATM कार्ड का पिन चेंज हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरे ATM कार्ड का सक्सेसफुली पिन चेंज हो चुका है, जिसे आप यहां पर देख सकते हो। आप यहां पर देख सकते हो कि योर ATM पिन फॉर कार्ड सक्सेसफुली जनरेटेड, मतलब मेरा जो पिन है वो सेट हो गया है। और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर में एक OTP भी आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपके अभी ATM कार्ड का पिन सेट किया गया है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप अपने डेबिट या ATM कार्ड का ऑनलाइन पिन चेंज कर सकते हो, जिसका मैंने आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। और इसीलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।